नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। लखीमपुर पर हल्ला और राजस्थान में मौन क्यों, आज इसी पर हम करेंगे बड़ी बहस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज NHRC के कार्यक्रम में मानवाधिकार को लेकर कई अहम बातें कही। पहली बात पीएम ने कही कि मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। दूसरी अहम बात पीएम ने कही कि मानवाधिकार को राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। और तीसरी और सबसे अहम बात उन्होंने कही कि इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। बात निकली तो कितनी दूर तलक गई ये भी आपको बताएंगे और पीएम के बयान के मायने भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हाल के वर्षों में मानव अधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और जैसा हमने कहा कि बात निकली है तो अलग अलग तरह से इस बयान के मायने भी समझे जा रहे हैं और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। अनिला सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, मुकेश शर्मा हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राजकुमार भाटी जुड़ रहे हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और शुभ्रास्ता है फाउंडर द चर्न की। साथ ही धर्मवीर चौधरी प्रवक्ता BSP से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन कैसे इस पूरे बयान को बीजेपी ने हवा दी है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने मानवाधिकार को लेकर अपने अपने हिसाब से व्याख्या करने वालों पर बड़ा हमला किया है। वो हमला क्या है, बीजेपी ने गांधी परिवार और पूरे विपक्ष पर लखीमपुर घटना को लेकर इसी को लेकर हल्ला बोला है। बीजेपी ने लखीमपुर मामले को लेकर कांग्रेस पर सिलेक्टिव विरोध का आरोप लगाया। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की राजनीति करने की कोशिश हो रही है। बार बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा है और आज पुनः मैं कहता हूं, लखीमपुर खीरी में जो हुआ है वो दुखद है। उस पूरे विषय में एक अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किंतु दुखद है कि जिस प्रकार की राजनीति कुछ राजनीतिक पार्टी कर रही है और वोट की खेती करने की कोशिश कर रही है वो हम सब देख रहे हैं। और खास करके गांधी परिवार, प्रियंका जी और राहुल जी आज अपने आप को चैंपियंस ऑफ दलित राइट, चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए डिबेट को ओपन करते हैं और सीधे रुक कर लेते हैं मुकेश शर्मा जी का, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुकेश जी, संबित पात्रा को आपने सुना, प्रधानमंत्री ने मानवाधिकार पर एक स्टेटमेंट दिया और कैसे उस पूरे बयान को उन्होंने आपको घेरते हुए कह दिया है कि आप लोग पूरी घटना को सिलेक्टिव नजरिए से देख रहे हैं। लखीमपुर में अगर कुछ होता है तो राजस्थान में भी उतना ही कुछ हुआ है, आपको वहां भी जाकर देखना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सिलेक्टिव कैसे हो जाती है? प्रीति जी, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक फरमाया। वो चूंकि ये जो उन्होंने कहा है वो उन पर ही लागू होता है। इस देश को ये जानने का अधिकार है कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलकर उनकी हत्या कर दी जाए गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा, और प्रधानमंत्री जी लखनऊ जाकर अमृत महोत्सव में भाग लें और एक शब्द किसानों की हत्या पर ना बोलें, एक शब्द किसानों की पर सहानुभूति के लिए ना बोलें उसी प्रदेश की राजधानी में, तो ये सिलेक्टिव विरोधी तो है। प्रधानमंत्री जी ने अपने ऊपर ही कहा है, हमारे ऊपर नहीं कहा है, आप गलत समझ गई हैं। और मैं कहना चाहता हूं जी, जी, इससे बड़ा नहीं, मुझे अभी बात आपने मुझे मौका दिया, बात मुझे एक सेकंड 20 सेकंड में पूरी कर रहा हूं। आपने दूसरी बात कही कि मानव अधिकारों का हनन में कुछ लोग सिलेक्टिव विरोध कर रहे हैं। यही नरेंद्र मोदी जी 9/11 के बाद गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मामलों में चुप रहते हैं। इसके साथ साथ जहां तक सवाल राजस्थान का है, राजस्थान में जो घटना हुई है तुरंत प्रभाव से अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहां किसी मंत्री के बेटे ने किसी को कुचला नहीं है, यहां तो किसानों की हत्या हुई है, गाड़ी चढ़ाई गई है सुनियोजित षड्यंत्र के तहत। पूरी भारतीय जनता पार्टी सत्याकांड में बाकायदा खट्टर साहब का जो वीडियो आया था, गृह राज्य मंत्री कहते हैं मैं मंत्री और विधायक से पहले कुछ और भी था,
सरेआम धमकी देने के बाद ये घटना हुई है और प्रधानमंत्री जी जवाब ले लेते हैं आपके इन सवालों का। नीला जी हमारे साथ है, रुक जाइए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए बीजेपी के लोगों को। चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास भी बहुत सारे मसले हैं, लेकिन अनिला जी जिन पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो, 10 लोगों की मौत हुई हो जिस मामले में, सुप्रीम कोर्ट को तल्ख टिप्पणियां करनी पड़ रही हो और 4 दिन बाद भी आप नोटिस जारी कर पाते हैं जैसे तैसे मुजरिम को। देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में जनतंत्र जो है उसकी आवाज सबसे मजबूत होती है और उत्तर प्रदेश की जो जनतंत्र है वो योगी आदित्यनाथ जी के फैसलों के साथ खड़ी हुई है। इसलिए अगर विपक्ष ये सोचता है कि उसने बहुत हो हल्ला मचाया, उसके दबाव के अंतर्गत जो है आशीष मिश्रा के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है, तो मैं ये कहूंगी कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गाले। और जिस प्रकार से जब SIT ने उनको बुलाया और 12 घंटे से ज्यादा ड्रिलिंग हुई है, ड्रिलिंग के बाद उनको गिरफ्तार करके हिरासत में भेज दिया गया है, तो फिर भी हो गए। ये स्पष्ट हो गया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून का राज मानती है। अनिला जी ये सब करने में कितना वक्त लगा आप लोगों को? ऐसे में कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि आप लोग बहुत सिलेक्टिविज्म करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के निर्देश पर नहीं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकार को क्या करना है कैसे करना है कि सरकार अच्छी तरीके से जानती है, परंतु जो उंगलियां उठा रहे हैं पहले वो हिसाब दे, मानव अधिकार के विषय में जो चर्चा करते हैं पहले वो हिसाब दे दे, और 1947 से लेकर राजस्थान में जो घटना हुई है तब तक का हिसाब किताब दे दे, और मैं हिसाब किताब देने के लिए तैयार बैठी हूँ। ये जो पिछले 4.5 वर्ष की जो हमारी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी में भी जो कुछ हुआ है वो न्याय द्वारा ना, ना, आप मुझे रोक रही हैं? नहीं नहीं बात पूरी कीजिए आप अपनी जी। लखीमपुर खीरी में भी जो हुआ है तो आपको लगता है कि जो भी इसके आरोपी है उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा? क्या कानून अपना कार्य नहीं करेगा? कैसे कर रहा है इसी पर तो सवाल विपक्ष उठा रहा है और विपक्ष सवाल उठा रहा है। राजकुमार भाटी जी आप लोगों को जवाब देना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। ये सीधे सीधे हमला आप लोगों पर किया जा रहा है कि पहले आप अपने शासन को चेक कीजिए फिर हम पर उंगलियां उठाइएगा। देखिए जो प्रधानमंत्री का बयान है इस घटना को लेकर, मानवाधिकारों को लेकर, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, चिंताजनक और शर्मनाक है। एक देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उस बयान का सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि विपक्ष लखीमपुर खीरी की घटना पर सवाल न उठाए। इनके मंत्री, मंत्रियों के गुंडे बेटे आम जनता को कुचलते रहे गाड़ियों से और विपक्ष सवाल भी न उठाए। ये जो कहना, देखिए जब गांव में किसी का बेटा शराब पी के आता है, बदतमीजी करता है और उसके घर शिकायत लेकर जाते हैं, तो जो अच्छा बाप होता है वो अपने बेटे को समझाता है, जिम्मेदारी लेता है, आइंदा गलती नहीं होगी। और जो नालायक बाप होते हैं वो कहते हैं अरे पूरे गांव बच्चे शराब पी रहे हैं, मेरे बच्चे थोड़ी क्या है। तो यही बीजेपी का तरीका है। जब इनकी इतनी शर्मनाक घटना इतनी बेशर्मी के साथ बचाव करते हैं कि दूसरी जगह मानवाधिकार के सवाल क्यों नहीं उठाते? अरे दूसरी जगह तो उठाएंगे। जो अनिला जी कह रही थी सरकार अपना काम करती है, सरकार काम तब करती है जब गैर ले लेता है। कुलदीप सिंह की गिरफ्तारी भी तब हुई थी जब हाईकोर्ट ने ले लिया था, और यहाँ भी मंत्री के बेटे को तब तक सरकार बेशर्मी के साथ बचाती रही जब तक सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान न ले लिया। उसकी साफ वीडियो है, वो गाड़ी में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, सबूत मिल गए, उसके फोन की डिटेल बता, लोकेशन बता रही है, और तमाम बीजेपी बेशर्मी के साथ उस गुंडे का बचाव कर रहे हैं और उस मंत्री को अभी तक हटाया नहीं गया। सुब्रष्टा मंत्री को ना हटाया जाना, देरी से कार्रवाई करना, बीजेपी एक ऐसे पिता की तरह काम कर रही है जो एक नालायक पिता की श्रेणी में आता है, जिसे बच्चे को डांटना चाहिए था, ना डांटकर उसे बचाया जा रहा है। प्रीति जी ये जो पूरा इशू है और जिस तरीके की बयानबाजी अभी इस डिबेट में होगी, आगे भी होगी, वह पूर्णतः राजनीतिक बयानबाजी है, क्योंकि इसका जवाब मैं चाहूं तो समाजवादी पार्टी के आला नेताओं के बयानों से भी एक तरीके से एक तर्जुमा किया जा सकता है, एक तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन उस तरीके की बात मैं यहाँ नहीं करूंगी। लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है प्रीति जी, वो देश भर के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की अगर हम बात करें तो हर स्थान से आपको, हर राज्य से आपको दो दो तीन तीन ऐसे इश्यूज मिलेंगे जहां पर दलितों के साथ अन्याय हुआ, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ अन्याय हुआ, और भाजपा वाले कांग्रेस पर, कांग्रेस वाले भाजपा पे, विपक्ष वाले भाजपा पे, कांग्रेस जो पक्ष है वो विपक्ष पे, वो सवाल उठा सकता है।
बात सिर्फ इतनी है प्रीति जी कि क्या कोई भी राजनेता आज अपने हृदय पर हाथ रखकर ये कह सकता है कि मैंने चुनिंदा चुप्पी का प्रयोग नहीं किया। ये सवाल नेताओं के सामने है। और बात जहां तक रही जनमत की, मैं अनिला जी से अग्री करती हूँ इस बात पे कि जनतंत्र की आवाज सबसे बड़ी होती है। अगर आज मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण अगर दूं, अगर आज उत्तर प्रदेश में किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके साथ गलत हुआ या एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ गलत हो रहा है, तो वो जनतांत्रिक तरीके से आवाज उठाए। अगर नेता जो ऊपर शीर्ष पर नेता है योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसके ऊपर आप अगर केंद्र में देखिए तो मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी हैं, अगर उनको लगता है और उनकी बात मानी जा रही है तो ये तो सफल लोकतंत्र का उदाहरण हुआ ना। तो इस बात पे तो एक्चुअली विपक्ष को क्रेडिट लेना भी चाहिए कि भाई आपने जनतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई और आपकी बात सुनी गई, यानी देश में लोकतंत्र बरकरार है। तो प्रीति जी, सवाल मुझे लगता है नियत का है। यहाँ पर सवाल चुनिंदा चुप्पी से ज्यादा राजनीतिक नियत का है। और हर बार 5 साल के बाद जब भी लोग वोट करते हैं, चाहे वो राज्य स्तर पे करें या राष्ट्र स्तर पे करें, तो किसकी नियत साफ है या नहीं, उस हिसाब से सरकारें बनती हैं। नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर तो वही वाजिब बना हुआ है कि मानवाधिकार को लेकर सिलेक्टिव अप्रोच किस पार्टी की तरफ से अपनाई जा रही है। विपक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से अपनाई जा रही है, और बीजेपी कह रही है कि विपक्षी जानबूझकर इस बात को मुद्दा बना रहे हैं, जबकि उचित कार्रवाई इस मामले में हो रही है। मैं बीएसपी का रुख कर लेती हूँ। धर्मवीर चौधरी जी हमारे साथ है। धर्मवीर जी, आप लोग तो दलितों की पार्टी कही जाती है, आप लोग क्यों नहीं चले गए राजस्थान, अगर राजस्थान को लेकर ही बीजेपी टारगेट कर रही है और कांग्रेस कह रही है कि वहां कोई जरूरत ही नहीं है, हमने तो कार्रवाई कर दी, अब क्या जरूरत है आपको वहां आने की, आप लोग क्यों नहीं गए? देखिए प्रीति जी, अगर दलितों पर कहीं भी कोई अत्याचार होगा तो बहुजन समाज पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। हमारी प्रदेश की यूनिट, प्रदेश के प्रभारी हनुमानगढ़ भी गए, अलवर भी गए, और पूरे देश में कहीं भी अत्याचार होगा बहुजन समाज पार्टी तुरंत उनके साथ खड़ी हुई है। लेकिन आपका कोई बड़ा नेता गया कि नहीं गया? बीजेपी के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ। धर्मवीर जी, कोई बड़ा नेता जिन्हें जानती है जनता, वो गए कि नहीं गए? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए प्रीति जी, जहाँ कहीं भी कोई किसी भी समाज पर अत्याचार होगा, बहुजन समाज पार्टी उस पर तुरंत कार्रवाई करती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से, और जो प्रदेश की यूनिट है, हमारी प्रभारी है, वो वहाँ पर तुरंत पहुँचे हैं, चाहे वो अलवर की घटना हो, चाहे वो हनुमानगढ़ की घटना हो, और चाहे वो बाराबंकी की घटना या लखीमपुर खीरी की घटना हो। आज प्रश्न ये नहीं है, आज प्रश्न ये है प्रीति जी कि ये जो कांग्रेस का दोगला चरित्र है, उत्तर प्रदेश में अगर लखीमपुर खीरी में अत्याचार होगा तो इनके भूपेश बघेल भी आएंगे, 50-50 लाख रुपए की घोषणा भी करेंगे। लेकिन ये अलवर में और हनुमानगढ़ में अगर कोई दलित का बच्चा पीट पीट कर मार दिया जाएगा तो इनके मुंह सिल जाएंगे, ये इनका दोहरा चरित्र है। और ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, खासकर दलितों के मामले में। आज भी बात बोल रही है यहाँ पर कंपटीशन होता है, बीजेपी एक ही साथ की पार्टियां हैं, अब मैं क्या ही बोलूं। लेकिन आप लोगों की लड़ाई ट्विटर पर लड़ती है मायावती, ये तो साफ दिखता है। मुकेश जी, आप पर आरोप लगा रही है बीएसपी कि आप लोगों से कुछ हो नहीं रहा है राजस्थान में, और दलितों पर देखिए ये फैक्ट ये भी है कि दलितों पर 21% मामले बढ़े हैं अत्याचार के, बीते 2 साल का मैं ये डेटा बता रही हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है राजस्थान में? 79% दलितों पर उत्तर प्रदेश में मामले बढ़े हैं। ठीक है धर्मवीर जी, जवाब ले लेते हैं, 35% से ज्यादा राजस्थान में बढ़े हैं। जवाब ले लेते हैं मुकेश जी, पंजाब में बढ़े हैं, पूरे देश में बढ़े हैं। अरे चुप कराइए ना उनको। ऐसा है प्रीति जी, चुप क्यों कराए? बहुजन समाज चुप कराएंगे मुझे? आप चुप कराएंगे मुझे? आप चुप कराएंगे मुझे? अरे मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रहा यार, मैं प्रीति जी को बोल रहा हूं। कहता है कि ये कंपटीशन कराते हैं दलितों के अत्याचारों को ऊपर। अरे मेरा लेवल ही नहीं आपसे बात करने का यार, और चाहे वो बीजेपी के लोग हों। मुकेश जी जवाब दीजिए। प्रीति जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की एक यूनिट बनकर रह गई है। अब बहुजन समाज पार्टी सिर्फ ट्वीट ट्वीट खेलती है, इसके अलावा इस वाली सियासत से ऊपर उठ जाना चाहिए। अरे यार, धर्मवीर जी ने ऐसा कह दिया कि बीजेपी और कांग्रेस से एक मिनट धर्मवीर जी रुकिए, देखिए ऐसा नहीं होगा ना। एक मिनट जवाब दीजिए मुकेश जी, कब जाएंगे आप बताइए मुझे, इस बात का जवाब दीजिए आप मुझे।
अरे यार मुझे बोल, ये दोगला और दोहरा चरित्र देश का दलित आपका देख रहा है। जो 60 साल में आपने दलितों की दुर्गति की है, इसीलिए आप उत्तर प्रदेश में कोई जमीन नहीं तलाश पा रहे हैं। अरे यार मैं तहजीब वाला आदमी हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। बेहतर आप बीच में ना बोलें, ठीक है? आपको जितना बोलना है बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला था। हाथरस में जो हुआ था, मायावती जी को ने तो इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि वो अपने घर से निकल के लखनऊ से हाथरस चली जाएं। छोड़िए आप उस बात को, मुझे मायावती जी पे बहस नहीं करनी है। आप अच्छा पर्यटन, मैं मायावती जी, प्रियंका गांधी जी टूरिज्म करती हैं, दलित, अरे उनकी पार्टी, सब छोड़िए यार। अरे हाँ पर्यटन करते हैं, तुम्हें दर्द क्या हो रहा है? ये दर्द क्या हो रहा है तुम्हें पेट में? ये टूरिज्म क्या दर्द हो रहा है आप उत्तर प्रदेश में? चलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दलालों, बंद करो। कांग्रेस का राज जहाँ जहाँ है, आप बीजेपी के एजेंट हो, अत्याचार हो रहा है, जाइए आप राजस्थान में, वहां करिए टूरिज्म। अरे वहां करिए टूरिज्म। अरे यार ऐसा है, अरे हमें आपसे सलाह नहीं चाहिए, छोड़िए। भेजिए पंजाब का सीएम को, सलाह नहीं चाहिए, भेजिए छत्तीसगढ़ का सीएम को आप। अरे सुनो हमने दलित को मुख्यमंत्री बनाया पंजाब में, तुम्हारे पास तो जवाब भी नहीं है। जब आपको दलित याद आए, बीजेपी के दलितों की, जब आपके वहाँ गठबंधन हो गया प्रकाश सिंह बादल का, तब आपको दलित याद आए वहाँ पर? आपने 4.5 साल पहले चंदी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? आप बताइए। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दलालों के लिए काल बन गई है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। आपको टूरिज्म, जिसको आप कहते हैं, ये टूरिज्म आपको खा जाएगा। इस देश का किसान बीजेपी और बीजेपी के जो दलाल, जो भाषा आप जैसे लोगों की बोलते हैं, उनको इस चुनाव में बख्शे का नहीं ध्यान रखना। आ रहा है समय, मैं आपको दिखा दूंगा। मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, कुकर्मों को हम जनता ने देखा है और 7 साल के कुकर्मों की सजा आपको दी है, छोड़िए। इसीलिए ये कांग्रेस का सफाया हो गया देश से। देखिए, मैं आप लोगों की तू-तू मैं-मैं में नहीं जाना चाहती। आप लोगों के साथ दिक्कत ही यही है कि मेरी कमीज उसकी कमीज से सफेद है, मुझे बस इसी में संतुष्टि है। सुब्राजता ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही फिर हम सियासत में आगे बढ़ेंगे और वोट की खेती करते रहेंगे और किसी तरह कोशिश करेंगे कि हमारी कुछ एक सीटें बढ़ जाए, चाहे बीएसपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। अनफॉर्चुनेटली प्रीति जी, जो माहौल है अभी चुनाव को लेकर के, वो अभी ये तीखी बहसें चलती रहेंगी। अभी दिक्कत ये है कि चूंकि मायावती जी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने एंटी कांग्रेस स्टैंड लिया, प्रो कांग्रेस स्टैंड नहीं लिया, तो अभी जो कांग्रेस पार्टी के नेता है उनके तेवर उनके लिए वैसा ही रहेंगे। अगर यही मायावती जी, अगर इन्होंने जम्मू कश्मीर का मसला उठा लिया होता, जहां पे कश्मीर में जिस दिन उस दलित युवक की हत्या हुई और हम सब जानते हैं वो बिहार से था और बिहार पहुंच भी नहीं सका उसका पार्थिव शरीर, उसको लेकर के अगर मायावती सारी पॉलिटिकल पार्टीज को घेर लेंगी तो आज यही बीएसपी के नेता कांग्रेस के चहेते हो जाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली तो यही तो सिलेक्टिव चुप्पी है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं शुभ्रास्ता जी, यही तो सिलेक्टिव अप्रोच है जो लगातार पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने हिसाब से चुन रही है कि उन्हें राजस्थान जाना चाहिए, राजस्थान पर बात करना चाहिए, उन्हें लखीमपुर की बात करनी चाहिए और किसे जम्मू कश्मीर की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि चुनाव नहीं है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कह रही है प्रीति जी। और इसी बात से मैं एक चीज जोड़ना चाहती हूँ कि अब मुझे लगता है जो पॉलिटिकल तीखी बहसबाजी है प्रीति जी, उससे आगे देश के युवाओं को कम से कम उससे आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए कि आज एक्स नंबर ऑफ दलितों की हत्या राजस्थान में हुई और कल वाई नंबर ऑफ दलितों की हत्या जम्मू कश्मीर में हुई। हमारे लिए इशू ये होना चाहिए कि दलितों को लेकर के क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एक अफर्मेटिव स्टैंड लेते हुए रिजर्वेशन के बियॉन्ड कुछ सोचा है कि नहीं। बात तो तब आगे बढ़े ना प्रीति जी, जब नई राजनीति नई तरीके से व्याख्यायित हो, वरना यही पुरानी छीछालेदर करनी है तो फिर क्या बचा है, चाहे वो प्राइम टाइम हो या पार्लियामेंट हो, एक ही चीज हम देख रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि ये एक हम अपने लोकतंत्र में एक बहुत रोचक जंक्चर पे हैं, जहां पर एक्चुअली देश का नेतृत्व युवाओं के हाथ में है, उसकी बागडोर युवाओं के हाथ में है, लेकिन अगर हम अपनी पॉलिटिकल विरासत पॉलिटिकल पार्टीज को ही सौंपते हुए चले जाएंगे और उन्हीं के हिसाब से अपना नैरेटिव चुनेंगे तो ये तो दिक्कत है प्रीति जी। जी भाटी जी, कानपुर से शुरू होकर बुंदेलखंड तक तो रथ यात्रा चल रही है अखिलेश यादव की, जिसकी लगातार तस्वीरें भी आ रही है। वो कह रहे हैं बड़ा ताल ठोक के कि गंगा से लेकर यमुना तक समाजवादी विजय रथ आगे बढ़ेगा,
जरा बताइए कि इसी तरह आगे बढ़ाने की तैयारी आप कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि आपके लिए तो अब कांग्रेस पार्टी सिरदर्द है और इसलिए इस तरह से मुखर होकर समाजवादी पार्टी को आगे आना पड़ रहा है और वो बड़ा गदगद हो रहे हैं अखिलेश यादव इस विजय रथ को लेकर। अखिलेश यादव जी का विजय रथ पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा, 403 विधानसभा सीटों पर चलेगा, 75 के 75 जिलों में चलेगा। अखिलेश यादव जी इस पूरे उत्तर प्रदेश में 2011 में साइकिल से भी यात्रा कर चुके हैं। कितनी सीटें आने वाली है? जनाधार वाल जी, सीटें कितने आने वाली है? मैं समझ नहीं पाया प्रीति जी, इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटें कितनी लाने वाली है समाजवादी पार्टी? देखिए ये तो हवाई बात कोई भी कर सकता है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ, ये भविष्य के गर्भ में है। हम तो 403 की 403 जीतने के लिए लड़ेंगे, अब जनता क्या फैसला देती है तो जनता के हाथ में। पहले भविष्य भगवानी करना तो तुक्काबाजी होती है, कोई भी कह सकता है मैं इतनी सीट लेकर आऊंगा इतनी सीट लेकर आऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो माहौल दिखाई दे रहा है एंटी इनकम्बेंसी बहुत जोरदार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। इस सरकार से लोग निराश हैं, सरकार किसी भी मोर्चे पे सफल नहीं रही है। अच्छा, इसीलिए भाटी जी आप लोग लखीमपुर जाने के लिए बेताब नजर आते हैं और राजस्थान की सुध भी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त ऐसा आरोप है बीजेपी का। हम राजस्थान की पार्टी नहीं है, हम उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश का जिम्मेदार पार्टी है। किसी भी देश की जनता पर कहीं भी अत्याचार होता है तो वहां की बात करेगी ना समाजवादी पार्टी की, नहीं करेगी? इसमें भी सिलेक्टिव अप्रोच होगी, करेंगे। जो राजस्थान में अत्याचार हुआ उसके भी दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में हो उसके भी दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो जिस बिंदु से आपने डिबेट की शुरुआत की, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी ये जवाब देंगे कि जेएनयू के अंदर घुस के छात्रों की पिटाई की गई, अध्यापकों की पिटाई की, क्योंकि आज तक एक भी अरेस्टिंग हुई है? गृह मंत्री जवाब देंगे इस बात का? वो मानवाधिकार का हनन नहीं था क्या? ये जो जगह, ये विपक्ष पे निशाना साधते हैं, विपक्ष के खिलाफ एनएसए लगाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा लगाए गए 120 में से 108 एनएसए गलत माने, कि उनमें जरूरत नहीं थी लगाने की, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की जरूरत नहीं थी, केवल भाषणों और भाषणों में एक शब्द भी देशद्रोह का नहीं था। तो ये सरकार दमन पे उतारू है, जो किसानों को आतंकवादी बताती है, पाकिस्तानी बताती है, कह रहे हैं कि आप लोग मानवाधिकार की बात करते हैं, आप लोग तो खुद ही मानवाधिकार के आनंद के लगातार किस्से करते हैं, आप लोग तो चुन चुनकर उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो आपके खिलाफ हैं, चाहे वो दिल्ली की घटना ले लें या फिर हम राजस्थान की। लेकिन इन दोनों घटनाओं का जिक्र करने के साथ साथ सवाल फिर ये भी है कि ऐसा नहीं है कि फिर आप राजस्थान का जिक्र करेंगे तो लखीमपुर में जो बर्बरता हुई है उससे पल्ला झाड़ लेंगे? देखिए ऐसा है कि सरयू नदी को लाने वालों से आप अपेक्षा कर सकते, 370-35A जब हटा है, क्यों हटा है? वकालत करने वाले लोग जो है आज पाठ पढ़ाएंगे कि मानवता क्या होती है, जिस प्रकार से दलितों और महिलाओं के साथ या आम जनता के साथ अत्याचार हो रहा था, निरंतर अत्याचार हो रहा था, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा था। और जब सीए को लेकर जब हम आए हैं उसके खिलाफत करने वाले जो है आज हमें पाठ पढ़ाएंगे। देखिए प्रीति जी मैं एक चीज जानती हूँ, हम मानव अधिकार के विषय में अगर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं तो मानव से मानव जोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है, वो मानवता होती है, और मानवता के ऊपर जो प्रहार करता है तो वो आज मानव अधिकार की बात करके हमें पाठ पढ़ाए कि मानव अधिकार क्या होता है, तो ये हास्यप्रद है। मैं पराजित राष्ट्र जो है ना प्रीति जी, जब तक पराजित नहीं होता है जब तक कि उसका मन पराजित नहीं होता है। और अनिला जी, अनिला जी, अब 5 साल में एक बार मौका जनता को मिलेगा, उस बीच जो भी घटना होगी उस पर हम चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 5 साल बाद जनता तय कर लेगी, ये कैसा लॉजिक है? ये लॉजिक ठीक है, मैं मानती हूँ एक बार को कहा जा सकता है, लेकिन मैं फिर वापस उसी सवाल पर आऊंगी कि क्या राजस्थान का जिक्र करके हम लखीमपुर की घटना को नकार सकते हैं या फिर उसकी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? सवाल यहाँ पर 10 लोगों की मौत का है, वो लोग जो किसानी से जुड़े हुए थे, जिनके परिवार में अभी भी मातम है। प्रीति जी मैं 1:3 के मुकाबले में बैठी हुई हूँ, तो कृपया करके निवेदन आपसे है कि 10 सेकंड का अगर आप मौका देती है तो 10 सेकंड और दे दिया करें कि कृपया करके मैं अपनी बात तो पूरी कर सकूं। लेकिन काउंटर क्वेश्चन तो किया जाएगा अनिला जी, अगर कोई सवाल ऐसा है जिसमें आप जवाब में कुछ ऐसी बात कह रहे हैं तो बात तो आगे बढ़ाई जाएगी ना, उसमें बात रखकर। बात तो बिल्कुल, आप लखीम, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आपको पूरा मंच है बात पूरी करने का, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप पहली बार मेरे पास आई थी तब भी आपने लखीमपुर का विषय उठाया था और मैंने एक बात स्पष्ट कही थी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि यहाँ पे अपराधी और भ्रष्टाचारी का कोई स्थान नहीं है।
उत्तर प्रदेश की जनता को पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर अगर पुलिस कार्य कर रही है, एसआईटी टीम का गठन हो गया है, तो वो अपना कार्य करेगी। और इसके ऊपर हाईकोर्ट की भी इंक्वायरी, रिटायर्ड जज है तो जुडिशियल प्रोब है वो भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान ले लिया। और आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी, बीएसपी या समाजवादी दल अपनी अपनी राजनीति यहाँ पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं तो हम दबाव में आ जाएंगे? यहाँ पर हम एंटरटेन करने के लिए जी, बैठे हुए हैं। आप लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम बस कर रहे हैं लखीमपुर में, और कुछ हासिल नहीं होने वाला है आपको? देखिए, मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं, जो राजस्थान का सवाल उठाने वाले ये कहना चाहते हैं कि किसानों की हत्या ये जरूर करेंगे, बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि किसान आंदोलन को कुचलना है, चाहे किसानों की हत्या करनी पड़े, चाहे गाड़ी चलानी पड़े, ये तो बीजेपी ने तय कर लिया है। आज इतने महीने से किसान बैठा है, उसकी ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, जहां तक राजनीतिक रोटी सेकने का सवाल है, कांग्रेस पार्टी के लिए किसानों का मुद्दा भावनात्मक मुद्दा है और दलितों का मुद्दा नहीं है। मुकेश जी, प्रियंका जी रात को गई, संबित पात्रा कहते हैं चैंपियन ऑफ दलित राइट है आप लोग, राजस्थान में उस दलित परिवार के घर भी चले जाते, जम्मू कश्मीर भी चले जाते। ऐसा है जवाब दे रहा हूँ, चैंपियन ऑफ दलित राइट की बात करने वालों से मैं पूछ रहा हूँ, ये जो नरेंद्र मोदी जी ने कुंभ में पैर धोए थे दलितों के, या ये जो अमित शाह जी नाटक करते हैं दलितों के घर खाना खाने का, ये नाटक करने वाले कहां चले गए थे? किसने रोका है बीजेपी या किसी नेता को राजस्थान जाने से? मुझे जानने का अधिकार है, क्यों नहीं अमित शाह जी राजस्थान गए, क्यों नहीं संबित पात्रा राजस्थान गए, क्यों नहीं अनिला सिंह राजस्थान गई? किसने रोका था? हमने तो नहीं रोका, क्योंकि वहां जाने के लिए कुछ नहीं है। अरे वहां अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं, जाने के लिए कुछ है नहीं, वहां अपराध हुआ तुरंत गिरफ्तारी हो गई। यहाँ तो मंत्री के बेटे को बचाया जा रहा है, तीन तारीख को गाड़ी चलती है किसानों पर, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? आप बीच में क्यों बोल रही हैं? आप 3 तारीख को किसानों पे गाड़ी चलती है, 4 तारीख को गिरफ्तारी नहीं, 5 तारीख को गिरफ्तारी नहीं, 6 तारीख को गिरफ्तारी हो रही है, प्रियंका जी के दबाव में हो रही है। अब आप बीच में क्यों बोल रही हैं? क्यों बीच में बोल रही हैं आप? सरकार में आप क्यों बीच में बोल रही हैं? अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मुख्यमंत्री दिया, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला था, नहीं नहीं मैं राजस्थान में कुछ गलत नहीं हुआ इसलिए आप लोग नहीं गए। कंप्लीट करने दीजिए मुकेश जी को, मुकेश जी अपनी बात पूरी कीजिए, बीजेपी गो वेस्ट, मुकेश जी आप ये बीच में बोल रही है, नहीं बीच में ना बोले ना, पर मैं बोलने नहीं दूंगा, मैंने इनकी मैन के बीच में नहीं बोला। अरे ऐसे धमकी भरे लफ्ज मत इस्तेमाल कीजिए मुकेश जी, आप अपनी बात रखिए, बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, ऐसे में धमकी भरे लहजे का क्या मतलब है? कोई अर्थ नहीं है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो ठीक है, मैं भी बीच में बोलूंगा, हमने उन्हें रोका ना, कैसी बात कर रहे हैं मुकेश जी आप? अपनी बात देखिए, इसी में टाइम खराब हो जाएगा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं गलत बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ, राजस्थान में चूंकि एक अपराध हुआ, मैं उसको एडमिट कर रहा हूं, अपराध होते ही तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में 3 तारीख को किसानों पर सुनियोजित षड्यंत्र तरीके से बीजेपी किसानों की हत्या के लिए गाड़ी चढ़ाता है मंत्री का बेटा, 4 तारीख को कोई गिरफ्तारी नहीं होती, 5 तारीख को कोई गिरफ्तारी नहीं होती, प्रियंका जी जब निकलती है रात को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना FIR के, प्रियंका जी बगैर FIR के गिरफ्तार होंगी, जो गाड़ी चढ़ाएगा वो गिरफ्तार नहीं होगा। उसके बाद 48 घंटे के बाद राहुल जी निकलते हैं, पूरा देश का विपक्ष खड़ा हो जाता है, फिर प्रियंका जी को रिलीज किया जाता है, उसके बाद आशीष मिश्रा को दामाद की तरह पुलिस बुलाती है, जब जब उच्चतम न्यायालय संज्ञान ले लेती है। संबित पात्रा जी, अमित शाह जी, मोदी जी, अनिला सिंह जी, आपका राजस्थान में स्वागत है, आप जाइए, वहां कुछ है ही नहीं। अरे अपराध हुआ तुरंत अपराधी गिरफ्तार हो गए, हम किसी की सिफारिश मानते नहीं है। सर दोबारा से आप वही बातें दोहरा रहे हैं, मैंने पूछा कि प्रियंका और राहुल गांधी क्यों नहीं गए, आपने कहा अमित शाह और प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, योगी क्यों नहीं गए, इसी में सर उलझा के रखिए आप लोग जनता को। मैं शुभ्रास्ता को इस डिबेट में लाना चाहती हूँ, शुभ्रास्ता प्रधानमंत्री सिलेक्टिव, सर एक मिनट रुक जाइए, सिलेक्टिव व्यवहार पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऐसे लोगों से देश को सतर्क रहना चाहिए, प्रधानमंत्री किन लोगों की बात कर रहे हैं? प्रीति जी, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसमें जितने भी निहितार्थ थे वो सब हम समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी किनकी बात कर रहे हैं। मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहती हूँ यहाँ पर, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, प्रवक्ता ने अपने पार्टी को डिफेंड करते हुए कुछ चीजें बोली, तथ्यात्मक रूप से गलत थी।
ऐसा नहीं है कि राजस्थान में दलित, जिस दलित युवक के साथ जिसको बेरहमी से पीट कर सड़क पर मार दिया गया, उसके खिलाफ ऐसा नहीं था कि त्वरित कार्यवाही की गई, एक घंटे के अंदर उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज आंदोलन चला, जैसा कि ऑपोजिशन वाले बता रहे हैं, विपक्ष बता रहा है, उसी तरीके से राजस्थान को लेकर के आंदोलन चला, काफी कशमकश हुई और उसके बाद जाकर के ऐसा लगा जैसे जबरन राजस्थान सरकार को ऐसा करना पड़ा। राजस्थान सरकार के बारे में इसलिए भी मैं कितनी प्रोग्रेसिव है मैं इसलिए ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी प्रीति जी, क्योंकि जिस तरीके का बिल लाया गया बच्चियों के विवाह को लेकर के, वो अपने आप में 21वीं सदी के भारत पर एक जोरदार तमाचा है। इसीलिए वहां की सरकार कितनी प्रोग्रेसिव है इस पे बात नहीं करेगी। मैं लगातार शुभ्रास्ता मुकेश जी आपके इस बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन समय की कमी है। मैं आप सभी के लिए लगातार चाह रही थी कि और वक्त मिलता हम बात करते, लेकिन समय इतना ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े। लेकिन ये बात सच है कि लखीमपुर इस वक्त एपिसेंटर ऑफ सियासत बना हुआ है और आने वाले दिनों में चूंकि चुनाव है तो इस मुद्दे पर विपक्ष अपने तर्क गढ़ेगा और सत्ता पक्ष अपनी बातें कहेगा। इसी के साथ एक ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।